एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो सुचिन अकेडमी है ना, उसका जो हाई स्कूल ब्रांच है वो मेन ब्रांच से ना सिर्फ 5 मिनट के डिस्टेंस पे है। इसलिए कई बार जो जूनियर स्टूडेंट होते हैं अपने सीनियर स्टूडेंट से मिलने के लिए ना, हैंग आउट करने के लिए कॉलेज के अंदर आ जाते हैं। तो हमें एक लड़की से इंट्रोड्यूस कराया जाता है जिसके वाइट हेयर है, और ये कॉलेज के अंदर आई है और ये भी कुछ काम से आई है, और ये सीधे ना प्रेसिडेंट ऑफिस की तरफ जा रही है जो स्टूडेंट काउंसिल का है। तो जब ये दरवाजे पर जाती है तो उसके लिए दरवाज़ा ओपन करती है कागुया, और ये अपने आप को कागुया से इंट्रोड्यूस कराती है और बताती है कि मेरा नाम के सिरोगने है। अब के सिरोगने यानी सिरोगने यानी प्रेसिडेंट की बहन, जिसको कागुया पसंद करती है, उस लड़के की बहन। और कागुया उसको देख के ना बहुत खुश हो जाती है जब उसको पता चलता है कि उसकी बहन है। उसको अंदर बुलाती है, वेलकम करती है और बोलती है कि तुम सोचो कि प्रेसिडेंट कहाँ है, तो वो एक मीटिंग में गए हैं और तुम मुझे बता सकते हो कि तुम यहाँ किस काम से आई हो। और ये उसको देख के ना मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि ये बहुत ही क्यूट है। बोलती है कि बिल्कुल अपने भाई जैसे दिखती है, इसकी आँखें बिल्कुल वैसी हैं। तो इसकी हेल्प करने की कोशिश करने लग जाती है, बोलती है तुम किस काम से होते हो। बोलती है कि मैं ना थोड़ा कैलकुलेशन वगैरह है, क्योंकि ये जो इनके कॉलेज के अंदर हाई स्कूल के अंदर ट्रेजर डिपार्टमेंट है ना, मतलब जो इनका ट्रेजर क्लब है उसके प्रेसिडेंट है। तो ये बोलती है कि वैसे मैं अपनी मतलब तारीफ नहीं करूँगी, पर मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ, मतलब मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। और ये ना ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि ये चाहती है कि पहले ये इसको अपनी दोस्त बना ले, मतलब बहुत अच्छी कागुया। कागुया को मतलब इसको देखते ही इसके दिमाग में प्लान चलने लग जाते हैं कि पहले मैं इसको अपनी दोस्त बनाऊंगी, इसका नाम काई है, और फिर इसके थ्रू मेरा दोस्त सिरोगने मतलब प्रेसिडेंट भी बन जाएगा, और इसी तरीके से मैं इनकी फैमिली मेंटर कर जाऊंगी। और ये मतलब बहुत खुश हो रही होती है सोच के, और इसकी हेल्प करने वाली होती है। तभी पीछे से ना यूसीगामी आ जाता है पता नहीं कहाँ से, और इसके ना जो लड़की जो काई ये होती है काई सिरोगने की बहन, इसकी ना हेल्प करने लग जाता है, बोलता है कि ये तुम्हारी यहाँ मिस्टेक है मिस्टेक। तो इस चीज़ को देख के ना कागुया पहले तो बहुत चिढ़ जाती है, पर वो फिर बोलती है कि कोई बात नहीं, ये तो हेल्प ही तो कर रहा है, और मेरे को तो उसकी बड़ी बहन बनना है और हम साथ में घूमने जाएंगे, और ये मेरे को बिग सिस्टर बोलेगी, और इवन ये मेरे को ऑफर करेगी कि मेरे घर या तो लंच पे आ जाना, मैं तुमसे बात नहीं करूँगी डिनर पर, हम मैं इसके घर डिनर पे भी जाऊँगी, और फिर इसके घर वाले मेरे को मतलब अपने दिमाग में सोचती है ये सब चीज़ें ना कि देख के बोलेंगे कि तुम तो बिल्कुल बहनों की तरह हो, और मैं जब इसको सिरोगने बोलूँगी तो इसके घर वाले बोलेंगे कि हम सबका नाम सिरोगने है, तुम किसको बुला रही हो, तो मैं म्यूकी बोलूँगी इसको। तो मतलब पूरा ऐसे अपने दिमाग में ना सोचती है कि वो मेरे को कागुया बोलेगा, मैं उसे देखूंगी, पूरा इमेजिन कर रही होती है और पूरा सिनेरियो चल रहा होता है, पूरी खुश हो रही होती है ये सब चीज़ें सोच के, और वो उसकी हेल्प कर रहा होता है। तभी वहाँ पे ना हम देखते हैं चीका जाती है, और चीका जैसे हमेशा की तरह खुश होती है, वो छलती हुई आती है, और जैसे चीका इसको देखती है ना सिरोगने की बहन को, काई सिरोगने को, बहुत खुश हो जाती है क्योंकि चीका इसको ना पहले से जानती है। तो ये बोलती है कि तुम एक दूसरे को कैसे जानते हैं। तो चीका की जो सिस्टर है, छोटी बहन है, और जो काई है वो दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं। और जो कागुया सोच रही थी ना कि ये मेरे को सिस्टर बोलेगी, ये जो काई है ना वो चीका को बहन बोलती है बड़ी, और मतलब इसको ना देखकर चीका को बहुत गुस्सा आ जाता है। कागुया बोलती है कि ये चीका ना पैरासाइट की तरह है, इसने मेरे से सब कुछ छीन लिया, ये ना ऐसे लोगों की तरह जिन्हें मर जाना चाहिए, ये अलायंस बना रही है मेरे खिलाफ, ये मुझे धोखा दे रही है, मैं इसे जान से मार दूंगी, और ये सबसे बेकार लड़की है। और अब ये जो काई होती है ना इसको चीका को बोलती है कि हम लोगों को ना घूमने जाना चाहिए, मतलब हम शॉपिंग पर चलूँगी और तुम हमारी हेल्प करोगे क्या। तो तभी जो चीका होती है ना वो कागुया से भी पूछ लेती है कि क्या तुम्हें भी हमारे साथ घूमने आना है। और जैसे ही चीका कागुया से पूछती है ना कि क्या तुम हम भी हमारे साथ घूमने मतलब शॉपिंग पे आना चाहती हो, तो कागुया इतनी चीज़ें बोल रही थी ना कि पैरासाइट है, मर जानी चाहिए, सारी चीज़ें चेंज करके बोल देती है कि चीका तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, क्योंकि इसको लगता है ना कि अभी भी एक चांस है, और मतलब उसकी बहुत तारीफ करने लग जाती है, इसके गले लग जाती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें सिरोगने का घर का सीन दिखाया जाता है, और सिरोगने अपनी मीटिंग से वापस आ गया, और वो अपनी बहन से पूछता है कि तुम मैंने सुना हमारे कॉलेज आ रखी थी आज, तो ये बोलती है कि तुम्हें कैसे पता है, तो बोलती है कि तुम मेरी छोटी बहन हो तो मुझे तुम्हारी नज़र तो रखनी चाहिए। तो बोलती है कि नज़र नहीं, इसे साइकोपन कहते हैं, तुम मेरे को एक मतलब परवर्ट की तरह मेरा पीछा करते रहते हो। तो ये बोलता है कि क्यों ऐसा क्या हुआ, तो बोलती है कि चीका ठीक थी, तुम्हारा यू जो इसी गांव में वो लड़का भी काफ़ी हेल्पफुल था, पर तुम्हारी जो वाइस प्रेसिडेंट है ना वो बहुत ही बेकार है, मतलब उसको पसंद नहीं है। तो ये बोलता है क्यों, उसने क्या किया, तो ये बोलती है कि यू शख्स, और वहाँ से ये बोल के ना चली जाती है। और इस ये जो बैटल हुई इसका जो इसका है कि इसमें जो सिरोगने है ना वो हार गया, मतलब वो था भी नहीं इस बैटल में फिर भी वो हार गया। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और नया बैटल दिखाया जाता है, और हमें दिखाया जाता है ना कि एग्ज़ाम आ गए हैं और ये सब ने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे पड़े हैं, और जो सिरोगने है ना मतलब वो दिखावा कर रहा है कि आप लोगों को ना पूरे साल पढ़ाई करनी चाहिए, और एग्ज़ाम से 3-4 दिन पहले तो सिर्फ दिखावा होता है। और हमें ना नरेशन वो ये बताती है कि ये झूठ बोल रहे हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कागुया को, और कागुया भी सेम चीज़ बोल रही होती है कि हाँ 3-4 दिन पहले क्या ही पढ़ाई करनी। पर इन दोनों के ना बीच में बहुत पहले से ना एक बैटल चल रही है, जिसमें ना हर 4 साल से कागुया मतलब जो है ना वो हमेशा सेकंड आ रही है, और सिरोगने हमेशा फर्स्ट आता है, और ये ना हमेशा इसको हराना चाहती है। और सिरोगने के पास ना एक ही चीज़ है, क्योंकि ये पैसे वाला भी नहीं है, वो है इसकी नॉलेज। अगर ये फेल हो गया ना तो ये हार जाएगा, और लोगों के सामने मतलब प्रेसिडेंट के पोस्ट से भी हार जाएगा, तो इसके लिए ना जीतना बहुत ज़रूरी है। और फिर हमें यूसीगामी दिखाया जाता है, और ये
मतलब 3 साल से ना कंटिन्यू बहुत ही बेकार नंबर ला रहा है, और इस बार अगर इसके बेकार नंबर आए तो फेल हो जाएगा। तो जिस पर ना इसको कागुया बोलती है कि तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, तो वो बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहा हूँ और इस बार तो मैं जान लगा के, पर नरेशन वो बताती है कि ये भी झूठ बोल रहा है और जो ये कर रहा है ना सिर्फ एग्जाम से पहले ना गेम खेल रहा है, उसने एक नया गेम खेल लिया और इसको बिल्कुल परवाह नहीं है, बिल्कुल ऐसा जीवन जीता है जैसे कल ही मरने वाला होगा और यही इसका तरीका है जीने का, और यहाँ से ना चला जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो चीका होती है ना, वो बोलती है कि मेरे जापनीज में बहुत बेकार नंबर आ रहे हैं, मेरे लिए लैंग्वेज सीखना बहुत मुश्किल है। तो ये दोनों ना उसको और घिचड़ कर देते हैं क्योंकि इन दोनों के बीच में ना एक कॉम्पिटिशन चल रहा है। तो हमें दिखाया बताया जाता है जो चीका है ना वो काफ़ी अच्छे स्टूडेंट है, मतलब वो पढ़ाई वढ़ाई में करना, मतलब भले इसका दिमाग थोड़ा सा डल है पर पढ़ाई करने की कोशिश करती है, पर ये दोनों ना इसको कन्फ्यूज़ कर देते हैं, ये दोनों इसको हमेशा कन्फ्यूज़ कर देते हैं। और ये दोनों बहुत ब्राइट स्टूडेंट है, तो इस दोनों की बातों में आके ना ये पढ़ाई नहीं करते और इसके ना हर बार ना नंबर गिरते जा रहे हैं, क्योंकि ये सोचती है कि ये दोनों जब इतने इंटेलिजेंट स्टूडेंट कह रहे हैं कि एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, तो ये पढ़ाई करना छोड़ देती है और हमेशा इसके ना नंबर ख़राब हो जाते हैं। और ये इन दोनों की प्लानिंग है क्योंकि ये ना सब, क्योंकि भाई एग्जाम इस कॉलेज के अंदर ऐसा है ना, यहाँ पे फर्स्ट आने के लिए ना यहाँ लोग बहुत तरह के ट्रिक्स यूज़ करते हैं, और इन ट्रिक्स में ना सबसे ऊपर है सिरोगने और कागुया, ये मतलब एक दूसरे को मैनिपुलेट करते हैं लोग, इनकी वजह से ये एक दूसरे को तो मैनिपुलेट नहीं कर पाते पर लोगों पे बहुत इफेक्ट पड़ता है और लोगों का रिजल्ट बहुत ख़राब होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि किस तरीके से अजीज इसी अलग अलग ट्रिक्स यूज़ करते हैं, पर इन सभी के बीच में ना हमें दिखाया जाता है यू इशिगामी को, जिसको ना कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता किसी से, वो अपना गेम खेलने में मस्त है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि एग्ज़ाम का दिन आ गया, उसे चीका ना वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है और उसको सिरोगने बोलता भी है कि ज़्यादा टेंशन मत लो, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है चीज़ों से, पर हमें नरेशन वो बताती है कि ये ना झूठ बोल रहा है और ये ना बहुत ज़्यादा टेंशन में है, क्योंकि इसको पता है कि इसके पास एक ही हथियार है, अगर जिस लड़की को ये पसंद करता है मतलब कागुया, अगर ये सेकंड आ गया तो ये उस लड़की को ना खो देगा, क्योंकि उसकी रिस्पेक्ट इसी वजह से करती है क्योंकि हमेशा फर्स्ट आता है, तो इसके पास एक ही ऑप्शन है। फिर हमें दिखाया जाता है एग्ज़ाम खत्म हो गया, रिजल्ट का दिन आता है और हमें बताया जाता है कि हमेशा की तरह जो कागुया है वो सेकंड आई है और सिरोगने फर्स्ट आया। तो ये बोलता है कि इस बार मैं बस मुश्किल से फर्स्ट आ गया वरना मैं फर्स्ट नहीं आता था। तो मतलब दिखाते बाहर से कुछ और है पर अंदर में दोनों के ना, मतलब सिरोगने जो होता है वो खुश हो रहा होता है बहुत ज़्यादा, और कागुया ना जल जल के राख हो रही होती है कि मैं सेकंड कैसे आ गई। तो जो सिरोगने होता है ना वॉशरूम में जाता है, वहाँ बहुत जोर जोर से ना नाचता है कि मैं फर्स्ट आ गया, मैं फर्स्ट आ गया, और कागुया ना मतलब जाती है और अकेले में ना रोने लग जाती है। फिर हमें ना एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि इन दोनों की जीत के बीच में ना कि एक स्टोरी और चली, और वो स्टोरी ये थी कि यू इशिगामी को ना प्रिंसिपल ने अपने ऑफिस में बुलाया और उसको बोला कि अगर तू इस बार भी फेल हो, मतलब तेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए ना, तो तुझे फेल कर दिया जाएगा और तुझे सालाना रिपीट करना पड़ेगा। और जब ये बातें कर रहे थे ना प्रिंसिपल यू इशिगामी के साथ, तो उसे सब बातों को सुन रही थी कागुया, और जिस टाइम पे जो यू इशिगामी होता है ना वो हमेशा की तरह लोगों को मक्खन लगा रहा होता है ना कि इस बार मैं पढ़ाई करूंगा, मेहनत करूंगा, अच्छे नंबर लाऊंगा, तभी ना जो कागुया होती है यू इशिगामी के पास आती है और उसका हाथ पकड़ती है, बोलती है मुझे तुमसे अकेले में कोई बात करनी है। तो इशिगामी बोलता है कि तुम यहीं पे करो ना जो बात करनी, तो बोलती है कि नहीं मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। और हमें पता है इशिगामी बहुत ज़्यादा डरता है कागुया से, तो वो भागने लग जाता है कि ये मेरे को मारना चाहती है, पर उसका हाथ नहीं छोड़ती और उसको ना पकड़ के एक मतलब बंद रूम में ले जाती है और वहाँ पर ना उसके हाथ पाँव बांध देती है और उसको बोलती है कि तुझे ना पढ़ाई करनी होगी। तो ये बोलता है कि तुम्हें मुझे ऐसा टॉर्चर करके ना क्या मिलता है, तो बोलती है कि मुझे कोई शौक नहीं तुझे टॉर्चर करने का, पर तू ना हमारे क्लब का एक हिस्सा है और अगर तू फेल हो गया ना तो हमारे क्लब की ना बहुत बेइज्जती होगी और ये चीज़ ना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती और तुझे पढ़ना होगा। और ये इसके सामने ना इसके जितने भी मोबाइल गेम और मतलब जितने भी गेम होते हैं ना सबको एक बॉक्स में बंद करके ना फेंक देती है, और उसके सामने ना दो चीज़ें लेके आती है, एक बुक्स जिससे इसको नफरत है और दूसरा फिश, इन दोनों चीज़ों से इस बंदे को ना बहुत नफरत है और इससे ना बहुत सारी फिश खिलाती है क्योंकि हेल्दी खाना नहीं खाता ना, तो ये मतलब जंक फूड वगैरह खाता, तो जब इसको हेल्दी फूड खिलाती है ताकि इसका दिमाग अच्छा हो जाए और उसको बहुत ज़्यादा पढ़ाती है। उसके बाद बोलती है कि कल को मुझे इसी टाइम पे यहाँ पे मिल जाना, और अब ना इनके बीच में एक सिलसिला चल जाता है और ये डेली इसके पीछे भागती है और ये अपने आप को बहुत दिन बचाता है, कई दिन हो जाते हैं 1, 2, 3, 4 मतलब कई अलग अलग तरीके निकालता है अपने आप को बचाने के लिए, पर ये अपने पैसा और पावर का यूज़ करके क्योंकि बहुत अमीर है ना, हमेशा इसको पकड़ लेती है और फाइनली ये ना हार मान लेता है और पढ़ाई करने के लिए ना रेडी हो जाता है। अभी इसको पढ़ा रही होती है, तो जब इसको पढ़ा रही होती है ना पीछे से 2 गर्ल्स आ जाती हैं और वो दोनों गर्ल्स ने इसको इन दोनों को साथ में देख के बोलती है कि ये यू इशिगामी है ना और ये इसके साथ कागुया के साथ क्या कर रहा है, ये तो वाइस प्रेसिडेंट है और इसको इसके साथ नहीं रहना चाहिए। तो ये सारी बातें ना कागुया सुन लेती है और कागुया ना खड़े होकर बोलती है कि हम लोग ना पढ़ाई कर रहे हैं और तुम लोग जैसे बात कर रहे हो तो इससे हमारा डिस्टर्ब हो रहा है, अगर तुम कुछ कहना चाहती हो तो हमें मुँह पे कहो। तो ये दोनों गर्ल्स कहते हैं कि तुम्हें ना इशिगामी के साथ नहीं रहना चाहिए और तुम्हें नहीं पता ये मतलब ये तुम्हें भी बिगाड़ देगा, इससे तुम्हारी संगति ख़राब हो जाएगी, मतलब इसकी ना बहुत बुराई करती है क्योंकि इसने हाई स्कूल में कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से ना लोग इसे पसंद नहीं करते। पर ये ना इन लोगों को बोलती है कागुया
कि इसी गामी ना मुझे काफ़ी पसंद है, और मैं इंसान के ना पास्ट यानी उसके प्रेजेंट से उसको देख के मतलब उसके साथ रिएक्ट करती हूँ, और मुझे नहीं फ़र्क पड़ता तुम लोग इसके बारे में क्या पर इसी सोचते गामी हो। बहुत ही अच्छा लड़का है और बहुत ही मतलब मेहनती और बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, और अगर तुम लोग इसको गलत कह रहे हो तो इसका मतलब तुम मुझे गलत कहना चाहती हो। और क्या तुम अपने कॉलेज के वाइस प्रेसिडेंट को गलत कहना चाहती हो? तो ये दोनों लड़कियां ना चुप हो जाती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। अब ये सारी बातें सुनकर ना इसी गांव में मतलब एक तरीके से रोने वाला होता है, क्योंकि ये कागुया को ज़्यादा ना पसंद नहीं करता था, इसको लगता था कागुया बहुत बेकार मतलब अजीब है बुरी है, पर ये इसकी मतलब अच्छे से रहती है ना तो इसे मतलब बहुत अच्छा लगता है कि कोई इसकी साइड ले रहा है, क्योंकि कोई भी इसके साथ रहना पसंद नहीं करता, क्योंकि इसके साथ हाई स्कूल में कुछ केस हुआ था जो हमें नहीं बताया यहाँ पे, उसकी वजह से इसके साथ कोई भी रहना पसंद नहीं करता था, ना ही कोई इसकी साइड लेता था, पर कागुया ने इसकी साइड ली है। तो वैसे इसको अभी भी पसंद नहीं करता, पर इसको आज अच्छा लगा है इस चीज़ के लिए। उसके बाद ना फिर हमें दिखाया जाता है इनके हेडक्वार्टर का सीन जहाँ पे ऑफिस है, और इनका रिजल्ट आ गया और इसीगामी भी पास हो गया, पर जो कागुया है ना वो खुश नहीं है, क्योंकि कागुया ने इसको ना कई दिन तक बहुत ज़्यादा मेहनत से पढ़ाया है, और इसको ये नंबर ना कुछ खास नहीं लग रहा है, क्योंकि इसके 100 में से 41, 51, 50 इतने ही मार्क्स आए हैं, और ये ना इस पर बहुत गुस्सा करती है और ये बोलती है कि मैं तुझे अब से ना डेली पढ़ाऊंगी, अब मैं तुझे एक भी दिन नहीं छोड़ूंगी। और यहाँ पे ना ये सब चीज़ देख के सिरोगन इसकी खुश होता है, बोलता है कि ये लड़की ऐसी है मतलब जिस चीज़ को भी ले लेती है अपने दिमाग में एक बार सोच लेती है उसके पीछे पड़ जाती है, और ऐसी है हमारी कागुया। और बस इन्हीं वर्ड्स के साथ ना हमारे एपिसोड की 8 की एंडिंग हो जाती है। तो गाइज ये थी एपिसोड 8 की एक्सप्लेनेशन। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब तो पक्का ही कर दें। थैंक यू सो मच।